भाइयों, अध्यात्म अंधविश्वास है अथवा विज्ञान, इसके बारे में बहुत बहस है। नई पीढ़ी के लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, इसके पीछे जो कर्मकांड लिखे हुए हैं उसको हम करते हैं और तो जो उसके परिणाम और फल बताए गए हैं वो नहीं मिलते। तो उनके कहने के मुताबिक ये अंधविश्वास का कहना उनका सही है। और जो विश्वासी हैं, जो ये कहते हैं ऋषियों को, शास्त्रकारों को, आप्त पुरुषों को इतना जोर देकर के अध्यात्म के विधि विधानों के ऊपर कहा गया है, तो उनको झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। इसके पीछे कोई न कोई वास्तविकता सच्चाई होनी चाहिए, इसीलिए मालूम पड़ता है कि ये विज्ञान है अथवा अंधविश्वास। ये तलाश करने के लिए हमने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इस काम के लिए खर्च कर डाली और अब हम किसी नतीजे पर जा पहुँचे हैं। उस नतीजे को आप लोगों को सुनाने का हमारा मन है। लोहा खदान में से जब निकलता है तो आपने देखा है ना, कच्चा निकलता है, मिट्टी मिला हुआ होता है। और जब कोई और धातुएं निकलती हैं जमीन में से, तो सभी धातुएं कच्ची होती हैं, उनमें मिट्टी का सम्मिश्रण होता है। जब तपाई जाती हैं, आग पर तपाते हैं उनको, तो तपाने के बाद में उनका वास्तविक स्वरूप निकलता है। मिट्टी जल जाती है और लोहा निकलता है, सोना निकलता है, दूसरी धातुएं निकलती हैं, गर्म करने के पीछे ही निकलती हैं। तेल के बारे में भी यही बात है, कोयला जो होता है वो भी साफ़ करना पड़ता है, हर चीज़ को साफ़ करना पड़ता है। व्यक्ति जो अध्यात्म का प्रयोग करता है, अगर उसकी सफाई का ध्यान रखता है, तब तो जानना चाहिए कि इसको परिणाम मिलेगा। और उसने अगर सफाई का ध्यान नहीं रखा है, अपने आप का संशोधन नहीं किया है, जो उसके प्रयोगकर्ता उसको ठीक तरीके से काम में लाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर मान लीजिए कि ये केवल कर्मकांड अंधविश्वास है। अंधविश्वास से क्या काम चलने वाला है। इसलिए साधक को अपने जीवन में जीवन का परिष्कार करना पड़ता है, पात्रता का विकास करना पड़ता है। पात्रता का विकास न करे, जीवन का संशोधन न करे, तो उसका वो लाभ जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, तब फिर अंधविश्वास कहने वाली बात सही है। और अगर आदमी उसके समग्र स्वरूप को समझता है और समग्र स्वरूप की कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तो फिर मैं समझता हूँ इसको भी विज्ञान ही होना चाहिए। मेरी सारी ज़िंदगी इसी काम में खर्च हुई है और मैंने पाया है कि ये विज्ञान है और ये साइंस है और ये सही है। कैसे? इस तरीके से कि हमारे मास्टर ने, बॉस ने सबसे पहले ये समझाया कि कारतूस से भी ज़्यादा बंदूक का सही होना आवश्यक है। कर्मकांड अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उसको चलाने वाला जो व्यक्ति है वो सही होना चाहिए। बीज में अपनी शक्ति है, बीज को जमीन पर बोते हैं वही पैदा होता है। आम बोते हैं तो आम पैदा होता है, बबूल बोते हैं बबूल पैदा होता है, गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ पैदा होता है। ये बात सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सही यह बात है कि ज़मीन ठीक होनी चाहिए। ज़मीन को जोता नहीं गया है, बोया, उसको खाद नहीं दिया गया है, पानी नहीं दिया गया है, तो ऐसी खबड़ खुबड़ ज़मीन में आप क्या पैदावार होने की उम्मीद रखेंगे। इसलिए अध्यात्म के साथ में दो सिद्धांत मिले हुए हैं। एक सिद्धांत ये मिला हुआ है कि जो उसके लिए कर्मकांड बताए गए हैं वो करने चाहिए, ये सही बात। और इससे भी ज़्यादा सही बात यह है कि जो आदमी प्रयोग करने वाला है, प्रयोग करने वाले को अपने आप में अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से बहुत साफ और बहुत पैना और बड़ा तीखा आदमी होना चाहिए। तीखे आदमी के ऊपर, अच्छी और बढ़िया वाली बंदूक के ऊपर अगर आपने कारतूस रखा है तो निशाना सही लगेगा और बहुत दूर तक लगेगा। और आपके पास बंदूक नहीं है, नकली बंदूक है, खाली कारतूस लेके ले आए हैं और आप चलाने के मन करते हैं, तो फिर आपका ठीक बात नहीं बनेगी, फिर आप अंधविश्वास भी कह सकते हैं। खेत की जुताई आवश्यक, खेत में खाद और पानी लगाना आवश्यक है। बीज बोया जाता है तो पैदा होता है, कहना सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बीज बोया जाएगा वही पैदा होगा। लेकिन अगर आप खाद नहीं लगाएंगे तब, पानी नहीं लगाएंगे तब, और उसमें और उसके खेत की जुताई नहीं करेंगे तब फिर कुछ भी पैदा नहीं होगा। फिर आपको यही कहना पड़ेगा कि ये कहना खेती करना बेकार है, बीज बोना बेकार है, ये मेहनत करना बेकार है। इस तरीके से बीज बोना अंधविश्वास हो गया और बीज बोना विज्ञान हो गया, अगर आपने ढंग से और कायदे से किया है। लोहे के बारे में आप जानते हैं, लोहा जमीन में से निकलता है तो मिट्टी मिला हुआ निकलता है,
उससे आप कोई बर्तन बनाना चाहें, हथियार बनाना चाहें, औजार बनाना चाहें, कुछ नहीं बन सकता। ज़मीन पर गिरा देंगे तो टूट टूट करके अलग गिर पड़ेगा। लेकिन अगर उसको आपने तपाया है और तपाने के बाद में जो उसके अंदर मिट्टी मिली हुई है, उस मिट्टी वाले हिस्से को आपने अगर जला दिया है, तो फिर आप जो कुछ भी लोहे से बनाना चाहेंगे बना सकेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो फिर आप स्टेनलेस स्टील भी बना सकते हैं, फौलाद भी बना सकते हैं, दूसरी कीमती चीज़ें भी बना सकते हैं, लोह भस्म भी बना सकते हैं। ये सब चीज़ें, उससे मांडूर भस्म भी बन सकती है, ये सब चीज़ें बन सकती हैं। ये ताप के ऊपर टिका हुआ है, लोहे के ऊपर नहीं। लोहा तो जैसा है वैसे ही रहेगा। यही बात अध्यात्म के सिद्धांतों के बारे में है। अध्यात्म के सिद्धांत जो आदमी जीवन में प्रयोग करता है, वो आदमी अपने आप को सही बना लेता है, तो उसके चमत्कार जरूर दिखाई पड़ेंगे। तो धियाँ औषधियाँ जैसी कि उसके बारे में बताया जाता है, सब बिल्कुल सही बैठेंगी, कहीं भी गलती करने का मौका नहीं आएगा, अगर आपने साफ किया है तो। पात्रता के हिसाब से मिलता है बर्तन। अगर आपके पास है तो आप उसी बर्तन के हिसाब से जो चीज़ लेना चाहें ले भी सकते हैं। खुले में रखें तो पानी उसके अंदर भरा जा सकता है। इसीलिए पात्रता को अध्यात्म में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो आदमी अध्यात्म का प्रयोग करते हैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी पात्रता का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बहुत ज़रूरी है।